आपको बताते चलें, पूरा मामला है जिला लखीमपुर खीरी ब्लॉक फूल बेहट की ग्राम पंचायत श्रीनगर का, जहां रेहान पुत्र कयूब ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया है कि सरकारी शोक फिट पानी का गड्ढा हमें आवंटित करवाया गया था, जिसमें तृतीय श्रेणी की पीला ईटा से निर्माण करवाया गया था और शौचालय और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। शिकायतकर्ता ने प्रधान के ऊपर कई कार्यों को लेकर लगाए गंभीर आरोप। अगर संबंधित अधिकारी सही से जांच करें तो प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर गिर सकती है बहुत बड़ी गाज। शिकायतकर्ता ने जिला अधिकारी को प्रधान के द्वारा किए गए कार्यों की जांच के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। अब देखना यह है कि प्रशासनिक अधिकारी जमीनी हकीकत को देखकर क्या करते हैं कार्यवाही। ये शौचालय है, जो कि शौचालय के लाभार्थी हैं, इनसे हम जानेंगे कि कितने दिन बने हुए हैं। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हो? कौन सी ग्राम पंचायत है? श्रीनगर ब्लॉक कौन सी? फुलमेड़ है। ये शौचालय कितने दिन पहले आपका बना था? ये एक साल नहीं हुआ है। किसने बनवाया था? कौन प्रधान? रफी ने बनवाया था। कितने पैसे आपसे लिए थे शौचालय? पैसे भी नहीं पड़े थे, लेकिन ये टूट गया एक साल के अंदर है। कैसा मसाला लगाया था? मसाला उन्होंने लगाया हुआ है, जैसा लगाया हुआ, जैसा लगा हुआ है। घटिया लगाया था, बढ़िया लगाया था? कैसा लगा होता तो रुकती नहीं। बढ़िया लगा होता तो रुकती नहीं है, रुकी नहीं है। और किसी के शौचालय टूट गए हैं? और किसी के तो नहीं टूटे। आवास के लोगों को नहीं, जैसे झोपड़ी रहते हुए इनका आवास नहीं मिले, क्या है कारण रहा? नहीं पता होगा क्या कारण है। इनका कहना है कि ये शौचालय जो मेरा बनाया गया, इसमें मसाला सही नहीं लगाया गया था, इसलिए शौचालय ये टूट गया है। डीवी भारती समाचार के लिए मासूक अली रुखसार खान के साथ लखीमपुर खीरी से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।